साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th NIOS सबक नंबर 32 का बी पार्ट, इश्तिहार तैयार करना यानी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे, इश्तिहार के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे तैयार होते हैं। कह रहे हैं इश्तिहार का तारुफ। इस नमूने के तौर पर ऊपर दिए गए चार इश्तिहारों में से पहले और दूसरे इश्तिहार में तस्वीर और अल्फाज दोनों से काम लिया गया। तस्वीर में लहराते हुए बाल, जैसे ये आप देख सकते हैं, तस्वीर में लहराते हुए बाल जाहिर हो जाते हैं जिसका इश्तिहार दिया जा रहा है। इसका ताल्लुक बालों से है। अब 10 अल्फाज में बताया गया है कि कॉर्निया हेयर टॉनिक किन चीज़ों से बना है और इसका फ़ायदा क्या है। इश्तिहार के नीचे लाइन खींचकर चीज़ें बनाने वालों का नाम और पता निस्बतन कम साइज़ के रूप में दिया गया है। दूसरा इश्तिहार में गुलाब टूथपेस्ट बनाने वालों का नाम है, ठीक है, और उसने देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा गुलाब टूथपेस्ट। और पता नहीं लिखा गया, क्योंकि हम जानते हैं गुलाब टूथपेस्ट हर दुकान पर या दवा फरोश के पास मिल जाता है। इसमें भी अल्फाज की तादाद तकरीबन 15 है और इसकी खसूसियत बयान की गई है। इसमें पीलू का अर्क शामिल है जो जरासीम को मारता है। दूसरे और चौथे इश्तिहार में सिर्फ अल्फाज से काम लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है अल्फाज का। हिंदुस्तान में शेरवानी के लिए चार शहर मशहूर हैं, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ की शेरवानियाँ ज़्यादा मशहूर हैं। चौथा, कंप्यूटर से मुताल्लिक, कंप्यूटर क्यों ख़रीदा जाए और इसकी वजह बताएं। ये अब हर घर की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके आगे है सहाफ़त बहैसियत तजर्बात। मौजूदा दौर में सहाफ़त को तजारत की हैसियत हासिल हो चुकी है, आज ये पैसा कमाने का अहम तरीन ज़रिया बन गया है। दूसरी तजारतों की तरह इसमें भी तजारती इंतज़ामिया में महारत रखने वालों की खदमात हासिल की जाती हैं। इश्तिहार या रिसाले को कामयाबी और नफा बख्श तरीके से चलाने के लिए जिन ज़रूरी बातों को ध्यान रखा जाता है वो ये है कि इसकी अपनी मलकियत हो, यानी कि किराए की इमारत में ना हो, इमारत शहर के मरकज़ में हो जहाँ आमदो रफ्त का मसला ना हो। तजारती शोबा, ठीक है, यानी बिजनेस जोन। इन तमाम बारीकियों और नाजुक नज़ाकतों को देखते हुए अखबार और रिसाले की इंतज़ामिया को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा ये शोबा इदारात का यानी एडिटरल सेक्शन, दूसरा तजारात का जैसे बिजनेस सेक्शन कहते हैं, और एक तबाहत यानी छपाई का तबाहत। तीसरे शोबे को मैकेनिकल सेक्शन भी कहा जाता है। इस तकसीम की बुनियादी मकसद यही होता है कि अखबार का जो सरमायाकार लगाया गया वो न सिर्फ बहाल रहे बल्कि बराबर आमदनी भी देता रहे और इसमें इजाफे के भी गुंजाइश निकलती रहे। अब आप गौर कीजिए कि अगर कोई अखबार 10,000 रोज़ाना छपता है तो उनकी तमाम कापियाँ बिक जाएंगी, ये ज़रूरी नहीं। औसतन 8,000 कापियाँ बिकती हैं तो उससे हासिल होने वाली रकम से असल लागत भी नहीं निकलती। आज उर्दू का औसतन 8 सफ़ात वाला अखबार 2 रुपये में मिलता है और अंग्रेज़ी का औसतन 36 सफ़ात का भी अखबार 2 रुपये में ही मिलता है। हफ्तावार समीमा मैगज़ीन और दो शंबा व जुमे की खसूसी मौजूआत पर ज़मीमी के सफ़ात अलग ही होते हैं। आपने शायद कभी सोचा कि उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबार की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उनके पास इश्तिहार बहुत होते हैं, भाई इश्तिहार से ज़्यादा कमा लेते हैं। इश्तिहार की अहमियत और अफादियत, इस फ़र्क की वजह यह है कि एक के पास आमदनी के ज़राए महदूद हैं और दूसरे के पास आमदनी के ज़राए बहुत वसे। अखबार और रिसाले की आमदनी का ज़रिया उसकी फुर्सत के अलावा और क्या हो सकता है? इसका जवाब यह है कि हम
जिस ज़माने में जी रहे हैं वो सनाती और तिजारती ज़माना है। एक ही चीज़ को 100 आदमी बाज़ार में बेच रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि उस चीज़ को फौरन बिक जाए और अच्छे दाम से बिक जाए। इस तरह इन 100 आदमियों के दरमियान मुकाबला या कंपटीशन का जज्बा पैदा हो जाएगा। हर कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा और अपनी बनाई हुई चीज़ों की ज़बानी तारीफ भी करेगा और तहरीरी तौर पर भी करेगा ताकि उसकी बात ज़्यादा लोगों तक हो। दुकानों से बाहर बने हुए शूकेस में मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश, चाबी के छल्लों यानी की रिंग पर, स्कूटर के स्टेपनी पर और कार के पीछे दिलकश रूप में किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। इन बातों का मशिया बनाने वालों की तरफ से शोहरत पाने या मशहूर होने की कोशिश कह सकते हैं। इस बात को सहाफत की ज़बान में इश्तिहार या एडिटर एंड प्लस्टी कहा जाता है। ताजिर अपनी अशिया का इश्तिहार मुख्तलिफ अखबारों में देता है, इसलिए किसी अखबार की आमदनी का दारो मदार इस पर है कि उसने कितने इश्तिहार छपे। किसी अखबार में ज़्यादा इश्तिहार का छपना बजात खुद उसकी शोहरत का सबब बन जाता है। ये देखकर और लोग उसमें इश्तिहार देने की ख्वाहिश करेंगे। जब इश्तिहारों की तादाद बढ़ने लगेगी तो उस अखबार को दोहरा फ़ायदा होगा। एक तरफ इश्तिहार से होने वाली आमदनी में इजाफा होता है तो दूसरी तरफ अखबार की ज़्यादा कापियाँ फरोख्त होंगी। सनतकारों के बनाई हुई अशिया को बाज़ार में शोहरत दिलाने और अखबार की आमदनी में इजाफा करने में इश्तिहार की अहमियत को देखते हुए खुद इश्तिहार नवीसी भी एक बाकायदा फन बन गया है। अब वही अखबार मुश्तहिर या एडवर्टाइजिंग को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और उसके इश्तिहार पर पुरकशिश अंदाज में लिखता हो, उसकी नुमाया और मुनासिब जगह पर छापता हो। अगर उसमें कामयाब है तो एडवर्टाइज से अपनी तरफ से मुकर्रर करदा मुआवजा ले सकता है, वरना मुआवजे के लिए उसे एडिटर एडवर्टाइज और टाइज के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। कम तादाद में छपने वाले अखबारों के साथ ऐसा ही होता है। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, तिजारती ऐलान को इश्तिहार कहा जाता है। इश्तिहारबाजी और सौदा फरोशी यानी सेल्समैनशिप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इश्तिहार को अच्छे अंदाज में लिखना बाकायदा एक फन है, इसलिए हिंदुस्तान में बाज़ अहम इश्तिहार एजेंसियाँ मुख्तलिफ सनदी और तिजारती बल्कि गैर तिजारती और सरकारी इदारों से भी इश्तिहार जमा करा के अखबार में शाये करने का जिम्मा लेती हैं। इससे इश्तिहार देने वाले का वक्त बच जाता है और अच्छे अखबार में उसकी बनाई हुई चीज़ें का इश्तिहार आवाम तक पहुँच जाता है। किसी अखबार में इश्तिहार दें शायद उसका सही फ़ैसला वो खुद ना कर पाता हो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ वाले इसमें पेशा वाराना महारत रखते हैं। इसके बाद आगे जो इसमें क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। अभी तो खैर इसी के बारे में पढ़ना है तो इसी के बारे में थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। किसी भी इश्तिहार में मसूदा मवाद की जाजिब नज़र तरकीब की बड़ी अहमियत हुआ करती। इश्तिहार लिखने वाला अपने तसव्वुफ़ की क़ुव्वत से एक नक्शा खींचता है जिससे पढ़ने वाले को पूरी तरफ मुतवज्जो कर ले। किसी भी अच्छे इश्तिहार की इब्तिदा एक ख्याली से होती है। इश्तिहार बनाने वाला जैसे कॉपी राइटर कहा जाता है, किसी ना किसी तसव्वुर के साथ एक खाका बनाता है, फिर ये तय करता है कौन सी तस्वीर किस अंदाज में वहाँ बिठाई जाए, उस पर सुर्खी क्या लगाई जाए, वो कितनी जली या मोटी हो या मुख्तसर हो। इश्तिहार की तयशुदा साइज़ के मुताबिक अल्फाज की तादाद, उनकी मोटाई और उनके रंगों का इंतखाब किया जाता है। ये पूरा खाका पहले इश्तिहार नवीस के जहन में बनता है, फिर उसे कागज़ पर उतार जाता है। इश्तिहारी के खाके की सहाफती इस्तिलाह में ले आउट कहा जाता है। इसके मसूदे को कॉपी में तस्वीरों का होना ज़रूरी है। बहुत से इश्तिहारों में सिर्फ अल्फाज होते हैं और बाद में सिर्फ तस्वीरों या कार्टून से काम ले जाते हैं और अल्फाज की कम तादाद बहुत कम होती है। कभी कभी एक नारा स्लोगन मसलन सिगरेट मत पियो
सिगरेट मत पियो, चाहे वो अब्दुल्ला सिगरेट क्यों ना हो, लिख दिया जाता है। इश्तिहारी सिगरेट कंपनियों में तसुराती खाके तैयार करने वालों को विजुलाइजर कहा जाता है। लेआउट के लिए कोई ख़ास उसूल नहीं, इश्तिहार अशिया की मुनासबत से ज़बान का इस्तेमाल होता है। अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाती है। किसी भी इश्तिहार के लेआउट तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है पढ़ने वालों की तवज्जो हासिल करें, यानी गाहक की तवज्जो फौरन अपनी तरफ मबजूल करें। इसके लिए तरगीबात या इनसेंसिटिव का भी जिक्र है, मसलन बचत का लालच, तोहफ़ों की पेशकश और गिफ्ट स्कीम, ख़रीदारी के बाद मुफ्त मरम्मत या वापसी की गारंटी, किस्तों में फ़रोख्त का मंसूबा वगैरह। अखबार ख़ुद अपने तशहीर के लिए भी बाज़ तरीक़े इख्तियार करता है, मसलन कुछ मुद्दत के लिए कीमत में आधी कमी या एडिटर या एडवर्टाइजिंग को मुतवज्जो करने के लिए इश्तिहारात के नज़े में रियायत। खैर, मरकज़ी हुकूमत के वजारत इत्तलात नशरियात के ज़ेर एहतमाम चलने वाली डाटर पोर्टोरेट ऑफ पोर्टो विंस प्योसिटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इश्तिहार एजेंसियाँ हैं, क्योंकि इनकी वसा तत से मुल्क भर के बड़े दरमियाने और छोटे इश्तहारात को अखबारात को इश्तहार दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल है अख्तितामी, ब्रॉक बाउंड चाय के लिए एक इश्तहार 30 अल्फाज में लिखिए जिससे उसकी खूबी पूरी तरह से वाज़ है। ब्रॉक बाउंड चाय आपकी सबसे बढ़िया, सबसे ताज़ा, सबसे कड़क, सबसे खुशबूदार, जिसको पीते ही सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाए। थोड़ी सी चाय कमाल का असर दिखाए, एक चुस्की चाय में सारी खुशियाँ हो जाए। ये है ब्रॉक बाउंड चाय। ठीक है जी, निजान क्लासिक स्कॉटर का इश्तिहार किस रियायत के ऐलान के साथ लिखिए। आज ही आएँ अपने किसी नज़दीकी ऑटोमोबाइल स्टोर पर और ख़रीदें निजाज क्लासिक स्कूटर, सस्ते दामों के और साथ में बीमा भी फ्री में कराएं। जल्दी आए क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। NISDU और इग्नू के एडमिशन के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट भी बन सकते हैं और आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत कुछ मालूम। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, शुक्रिया।